हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाऊंगा जिसके सहारे कि आप अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अंत में आपको एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा 8-10 मिनट का, जिसको कि आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे विचार थमते ही नहीं हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसके लिए ये टेक्निक बहुत ही कारगर है। दोस्तों, मैं कुछ बताना चाहता हूँ इससे पहले। दुनिया में हर चीज़ तभी शक्तिशाली होती है जबकि उसके अंदर गति होती है, मोमेंटम होता है। लेकिन दुनिया में एक चीज़ ऐसी है, वो सबसे शक्तिशाली तब होती है जब वो शांत होती है, और ये है हमारा मन। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। याद करिए अपने स्टूडेंट वाले दिन, जबकि आप मैथ की किसी प्रॉब्लम को लेकर बैठ गए थे, लेकिन बाहर कोई खेल रहा था, कोई सिनेमा भी चल रहा था, और आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड थे। आपके मन में विचारों की घुड़दौड़ थी और आप पूरी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, याद करो वो पल जबकि आप किसी काम में वाकई इंटरेस्टेड थे, आपने उसको बहुत ही कार्य कुशलता से किया, और आपने ऑब्जर्व किया होगा उस समय आपके मन में थॉट्स बिल्कुल भी नहीं थे, आपका मन विचार शून्य था। और यही साइंस भी कहता है। अगर हम न्यूरो साइंस को देखें तो न्यूरो साइंस ये कहता है कि हमारे ब्रेन में एक डीपर पार्ट है, मैं बताऊंगा डीपर पार्ट क्या है। उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके अंदर अथाह शक्तियां हैं, पोटेंशियल है, प्रोडक्टिव बन सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है, थायराइड, ओवरी, इन सब की जो हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उसको करेक्ट कर सकता है, स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन ये शक्तियाँ तब खुलती हैं जबकि हमारा मन शांत रहता है। हमारे हर एक विचार इनर्जी की पैकेट हैं। अब इसको ऐसे समझो कि अगर हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिव है, मतलब बहुत सारे विचार हैं, तो ब्रेन के सारे हिस्से एक्टिव हैं, और जब हमारी ऊर्जा बिखर जाएगी तो एक पॉइंट पे केंद्रित नहीं हो सकती है, और यही इसका मूल मंत्र है। दोस्तों, इसी स्टेट को कहा गया है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। जब एक चित्रकार अपनी पेंटिंग क्रिएट करता है, जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, जब आप किसी मूवी में पूरी तरह से डूब गए, ये वो स्टेट है जिस समय कि आपके ब्रेन के बाकी के हिस्से शट डाउन हो जाते हैं। कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि ये गलत है, वो गलत है, कल बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, क्लाइंट नहीं आया तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, और आप अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको मेडिटेशन में ले जा रहा हूं, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको पूरी तन्मयता के साथ इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें। आराम से बैठ जाएं, या आप चाहें तो लेटकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, अपनी आँखों को दीवार पे किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करिए। देखें, एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और चेहरे के मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते समय अपनी आंखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, अपने हृदय से एक स्माइल करें, स्माइल फ्रॉम योर हार्ट। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, हाथ, हाथ की मांसपेशियां, छाती, चेहरा, एक एक मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं। सिर का पिछला हिस्सा, गर्दन, पेट और दोनों पैर। कल्पना करें कि आप किसी नदी में लेटे हुए हैं, वहां पानी सिर्फ आधा फीट या एक फीट है और आप उसमें डूब नहीं सकते। ज्यों ज्यों लहरें जा रही हैं, त्यों त्यों आपके विचार लहरों के साथ बहते जा रहे हैं। कल्पना करें कि जैसे जैसे ये धारा आपके सिर के ऊपर से गुजर रही है, सिर में मौजूद तनाव, चिंता, जो भी अनावश्यक विचार हैं, ये सारे विचार चीनी की तरह घुलकर बह रहे हैं,
ये विचार उसी तरह से घुल रहे हैं जैसे कि पानी में शक्कर घुल जाता है। ये धारा महसूस करें आपके गर्दन, पैर, छाती हर जगह से बह रही है और आपके शरीर में मौजूद चिंताएं, जो भी मांसपेशियों के तनाव हैं, वो सब के सब इस धारा में घुलकर बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। सिर हल्का हो रहा है, विचार शून्य हो रहा है, शरीर की मांसपेशियां एक एक रेशा रेशा तनाव मुक्त हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर लें और मुस्कुराते हुए धीरे से बाहर छोड़ें। वाओ, वंडरफुल। और अब ये कल्पना करें कि आपके शरीर में मौजूद जितने भी तनाव हैं, आपके सिर में जो भी विचार हैं, वो सब घुल चुके हैं शक्कर की भांति और वो सब धारा के साथ बहते जा रहे हैं। इसको अनुभव करें। मन और अधिक शांत होता जा रहा है। आपकी सांस गहरी और लंबी होती जा रही है। पूरा मन शांत, पूरा शरीर ढीला और रिलैक्स्ड। एक बार फिर से अनुभव करें कि ये धारा अब तेजी से बह रही है और जो कुछ भी बचे खुचे शेष विचार, तनाव के चिन्ह, स्ट्रेस जो भी मौजूद हैं, वो सब पूरी तरह से वॉश आउट हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं और आपका मन, ब्रेन, हृदय पूरी तरह से साफ हो रहा है, निर्मल हो रहा है। धीरे धीरे मन और शांत होने लगा है और अब एक बार फिर से अपनी चेतना को अपने शरीर में लाएं और महसूस करें कि ऐसा रहना आपका स्वाभाविक स्टेट है। दिस इज योर नॉर्मल एंड नेचुरल स्टेट और आप जब चाहें तब इस तरह खुद को पा सकते हैं। अपने हाथ पांव को थोड़ा सा हिलाएं, सिर को हिलाएं, गर्दन को हिलाएं, एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते समय धीरे से अपनी आंखों को खोलें और महसूस करें आप कितना शांत महसूस कर रहे हैं, शरीर कितना हल्का हो चला है और मन कितना स्थिर हो चुका है। थैंक यू। दोस्तों, मेडिटेशन कैसा लगा ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जैसे आप क्यूरियस थे, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि इसने आपको क्या फ़ायदा पहुँचाया। याद रखना, आपका एक कमेंट किसी और या कई अन्य लोगों को प्रेरित कर सकता है इस तरह के टेक्निक्स में इन्वॉल्व होने के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स।